हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पीच राइटिंग लिखना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, 8 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 8 मार्क्स। कुछ भी लर्न नहीं करना है इसमें आपको। इस वीडियो लेक्चर में कुछ कोड्स बताई जाएंगी जो आप प्रत्येक स्पीच में यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ ही कोई इंट्रोडक्शन लाइन बताई जाएंगी जो कि आप प्रत्येक स्पीच में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूज़न की लाइन होंगी जो कि आप हर एक स्पीच में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मैटर लर्न नहीं करना पड़ेगा, और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ अपने व्यूज़ लगाकर आप ये 8 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीच राइटिंग। व्हाट इज स्पीच, कहते किसे हैं स्पीच। आ स्पीच इज ए फॉर्मल एड्रेस डिलीवर टू एन ऑडियंस। यहाँ स्टूडेंट्स, एड्रेस का मीनिंग कोई किसी का पता नहीं है, किसी का एड्रेस नहीं लिखना है आपको। ये एड्रेस है संबोधित करना, मतलब ऑडियंस को संबोधित करने के लिए स्पीच डिलीवर करी जाती है। स्पीच शुड बी, स्पीच कैसी होनी चाहिए, क्लियर। इट शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल ही सिंपल होनी चाहिए, कोई टिपिकल वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं इसमें। कॉन्सिस, इट शुड बी नॉट टू लॉन्ग। वर्ड लिमिट्स शुड बी 120 to 150 वर्ड्स, बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच नहीं लिखनी है, 150 वर्ड तक ही स्पीच हमें कंप्लीट कर देनी है। करंट का यूज़ करना है, करंट में इट मस्ट बी लॉजिकल ऑर्डर। स्टूडेंट्स, आपकी स्पीच लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में स्टूडेंट्स आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन और अपना इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में आपको इसकी बॉडी बतानी है। बॉडी के अंतर्गत इसके जो भी हैं इफ़ेक्ट्स, कॉजेज, डिटेल में टॉपिक को लेना है। और लास्ट में कंक्लूज़न, लास्ट पैराग्राफ थर्ड होगा जो कंक्लूज़न होगा, इसमें आपको कंक्लूड करके देना है, 2-3 लाइनों में कंक्लूज़न देना है, और उसके बाद थैंक यू बोलकर अपनी स्पीच को ख़त्म कर देना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका फॉर्मेट एंड मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। कुछ भी ज़्यादा फॉर्मेट नहीं है, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, ये 1 मार्क आपको देगा। टाइटल कैपिटल लेटर में आप लिखिए, अच्छी बात है, कैची होना चाहिए। जैसे बुक्स है तो मान लिया इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स लिख दीजिए। और फिर इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पैराग्राफ, ये 2 मार्क्स का होगा। इसमें आपको आपके टॉपिक का इंट्रोड्यूस कराना है और साथ में अपना इंट्रोडक्शन देना है। ये इंट्रोडक्शन की लाइन्स क्या होंगी वो आप आगे इसी वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ होगा, सेकंड पैराग्राफ आपको 3 मार्क्स देगा। इसमें बॉडी लिखनी है, बॉडी के अंतर्गत स्टूडेंट आपने टॉपिक को डिटेल में लेना है, ये आपको 3 मार्क्स देगा। और नेक्स्ट है कंक्लूज़न पैराग्राफ नंबर 3, यहाँ पे आपने टॉपिक को कंक्लूड कर देना है, और कंक्लूज़न के बाद 2 या 3 लाइनों का कंक्लूज़न लिख दीजिए, प्रॉपर है, और उसके बाद थैंक यू बोल के अपनी स्पीच को ख़त्म करना है। तो कंक्लूज़न पैराग्राफ 2 मार्क्स का होगा, यहाँ पे टोटल मिला के आपके 8 मार्क्स हो जाते हैं। स्टूडेंट, 8 मार्क्स की स्पीच है, और कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5-6 लाइनें टोटल हैं जो आप सब स्पीच के लिए लर्न कर लेंगे, और प्रत्येक स्पीच में यूज करके आप अपने मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स कुछ कोड्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं अपनी स्पीच में, और आप अपनी स्पीच को कैची और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें से कोई एक कोड का आप यूज कर दीजिए अपनी स्पीच में। फर्स्ट है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हुज बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, वन डे इट विल कम ट्रू। थर्ड है, बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ योर ड्रीम्स। नेक्स्ट, इफ यू टेक केयर ऑफ योर ड्रीम्स टूडे दे विल टेक केयर ऑफ योर टूमोरो। यू डू नॉट हैव टू पुट एन एज लिमिट ऑफ योर ड्रीम्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें स्पीच कैसे स्टार्ट करनी है ये सब समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइटल लिखना है, कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, कैची होना चाहिए, 1 मार्क का होगा। नेक्स्ट कोट का यूज करना है, बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ योर ड्रीम्स। इस कोट का आप यूज कर लीजिए अपनी स्पीच में, काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी स्पीच। नाउ स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 1 में आपको ग्रीटिंग, पर्सनल इंट्रोडक्शन और टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, रेस्पेक्टेड चेयर ऑनरेबल जजेज प्रिंसिपल एंड माई डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जजेज या प्रिंसिपल में से एक वर्ड आप यूज़ कर लीजिए। अगर आपका कोई कॉन्टेस्ट है, कोई डिबेट है, तो वहाँ आप जजेज लिख दीजिए। अदरवाइज मॉर्निंग असेंबली है तो आप प्रिंसिपल का यूज कर लीजिए, बाकी पूरा लाइन वही रहेगी। रेस्पेक्टेड चेयर पर्सन, ऑनरेबल जजेज या प्रिंसिपल एंड माई डियर फ्रेंड्स,
गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ के बाद आप अपना नाम लिख दीजिए, फ्रॉम क्लास डैश या स्पीच में जो भी कोई नेम मेंशन है तो आप वो लिख दीजिए। यहाँ पे क्लास अपनी लिख दीजिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ ऑन द, यहाँ पे आपको अपना टाइटल लिखना है, जो भी कोई टॉपिक है जो टाइटल पे आपको स्पीच लिखनी है वो यहाँ लिखना है, एंड उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है टाइटल के बारे में। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको 2 मार्क्स देगा, 2 और 1 3 मार्क्स आपके हो चुके हैं। आपको स्टार्ट करना है अपना सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में स्टूडेंट डिटेल ऑफ द टॉपिक लेनी है, टॉपिक की पूरी डिटेल कर दीजिए, जैसे कंपैरिजन है उसका गुड और बैड बता दीजिए, कॉजेज और इफ़ेक्ट। अब कॉजेज और इफ़ेक्ट हर चीज़ के नहीं हो सकते ना, अब जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स मान लिया आप लिख रहे हैं तो क्या उसके कॉजेज होंगे, कुछ भी नहीं, इफ़ेक्ट क्या होंगे। तो आप अपने हिसाब से अपने टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं। अब मान लिया कंप्यूटर है, कंप्यूटर के एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो इस प्रकार से आप उसको यूज कर सकते हैं डिटेल ऑफ द टॉपिक पैराग्राफ नंबर सेकंड में। एंड अब आपको एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी अगर शो करना है तो आप ऊपर की लाइन में एडवांटेज देख के सीधे नीचे की लाइन में डिसएडवांटेज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक लाइन यूज़ कर दीजिए फर्दर मोर। एक वर्ड 2 वर्ड्स का ये यूज करने के बाद आप अपने व्यू को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्स एंड फिगर का आप यूज़ कर सकते हैं, मान लिया पॉपुलेशन कितनी परसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एजुकेशन है एजुकेटेड है इतनी नहीं है, आप अपना बता सकते हैं अगर आपको कोई डेटा पता है तो। लेकिन इस डेटा को आपने अप्रॉक्स लिखना है, अप्रॉक्स इसलिए लिखना है क्योंकि ड्यूरिंग द पासेज ऑफ टाइम ये डेटा चेंज होता रहता है, इसीलिए आपने यहाँ पे अप्रॉक्स यूज़ करना है। अब मान लीजिए आप कोई परसेंटेज डाल देते हैं कि इतने परसेंट पॉपुलेशन इंडिया में एजुकेटेड है, लेकिन आने वाले समय में तो और ज़्यादा हो जाएगी ना, एजुकेशन बढ़ जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे आप अप्रॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ आपको 3 मार्क्स देगा और ये पैराग्राफ पूरा आपका डिटेल ऑफ द टॉपिक होगा। नाउ पैराग्राफ नंबर 3 पे आते हैं, ये कंक्लूज़न है, इस कंक्लूज़न को आप स्टार्ट कर सकते हैं, इन कंक्लूज़न आई वुड लाइक टू से, यहाँ पे आप टॉपिक के बारे में थोड़ा और अपना बता सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं टॉपिक को। अब कंक्लूज़न को एंड करना है, एंड की लाइन कंक्लूज़न पैराग्राफ की क्या होगी, आई होप यू एग्री विद माई व्यूज़, ये लिख के आपने अपने इस पैराग्राफ को कंक्लूज़न पैराग्राफ को एंड कर देना है। और लास्ट में थैंक यू लिखना मत भूलिए, थैंक यू लास्ट में आपको ज़रूर लिखना है, आई यू ऑडियंस का आपने धन्यवाद कहना है। अब इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। टाइटल, उसके बाद कोट यूज़ करनी है, फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, अपना इंट्रोडक्शन और टॉपिक का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ द टॉपिक, टॉपिक को डिटेल में लेना है, फिर कंक्लूज़न देना है और लास्ट में थैंक यू कह के स्पीच को ख़त्म कर देना है, थैंक यू लिख देना है आपको लास्ट में। इस प्रकार आपको 8 मार्क्स, आई होप आप पूरे 8 मार्क्स लेके आएंगे इस क्वेश्चन में अगर आप इन लाइनों का यूज करते हैं अपनी स्पीच में। तो ये वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक स्पीच का एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमने इन लाइनों का किसी स्पीच में कैसे यूज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।